अच्छा जी बेटा, हमने आज बजटेड इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट डिस्कस करना है। बजटेड इनकम स्टेटमेंट हाँ जी, बजटेड इनकम स्टेटमेंट आपको तीन बिजनेसेस की आ सकती है, लेकिन चांस वैसे तीसरे वाले का ज्यादा है, ट्रेडिंग बिजनेस की, सर्विस बिजनेस की और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट के आने के चांसेस बजटेड इनकम स्टेटमेंट ज्यादा है। तो सर्विस बिजनेस की इनकम, पहली बात है सर्विस बिजनेस में आपके पास जो है वो तमाम होटल्स, हॉस्पिटल्स, सिनेमा हाउसेस, ऑडिट फर्म, अकाउंटेंसी फर्म्स, इस तरह का कोई भी सवाल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आई कैप ने जो क्वेश्चन बैंक माजी में कभी दिया था उसके अंदर ये तीनों टाइप ऑफ बिजनेसेस का कोई सवाल एक आधा था, लेकिन मेन ज्यादा क्वेश्चन जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के थे और हमने प्राइमरीली बात ही ज्यादातर किस पे करनी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगी, मिसाल के तौर पर एक्स लिमिटेड है, उसकी अगर आपने बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो उसमें कोई इतना कोई फॉर्मेट और वो चीजें नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने लिखनी है यहाँ पर फी इनकम होती है नॉर्मली उसमें, अगर कोई ऑडिट फर्म है या कोई भी, तो बजटेड इनकम स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले उसकी बजटेड फी इनकम या बजटेड रेंटल इनकम वो लिखनी है और माइनस आपने उसमें से तमाम एक्सपेंसेस बजटेड इकट्ठे ही कर देने, इस तरह एक एक नाम लेके। अब ये एक्सपेंसेस की लिस्ट कोई फाइनल नहीं है, एक्सपेंसेस की लिस्ट फाइनल नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज हो सकती हैं, क्योंकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेजर हेड है वो वेजेस एंड सैलरीज है, उसके अलावा रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस हो सकता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑडिट फर्म और सारे, इसी तरह को मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके बिजनेस चलाने के जो होते हैं एक्सपेंस, क्या कहते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो यानी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बजटेड इनकम स्टेटमेंट में कोई सीक्वेंस नहीं है, बस इनकम माइनस एक्सपेंसेस करने। अगर आपका सिनेमा हाउस है तो सिनेमा की टिकट इनकम, टिकट को सेल करने से इनकम आती है, तो वहां पर फी इनकम नहीं होगी, लेकिन हम लिखेंगे बजटेड इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट माइनस वन बाय वन करके सारे क्या रखेंगे, एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। इसमें कोई सीक्वेंस, कोई हेड वाइज इनकम स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आने के चांस कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप मेंटली तैयार हो कि बजटेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ जो बिजनेस है, क्या नाम है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो हमने कैसे प्रिपेयर करनी है। समझ आ रही है बात आपको, इसमें कोई ग्रॉस प्रॉफिट ये वो हमने शो नहीं करना, बाकी रियल लाइफ में तो सब कुछ होता है, लेकिन हमारे लिए सिंपल है कि बजटेड इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट बस, एंटरटेनमेंट सर्विसेज दे रहे हैं ना वो आपको, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, बच्चे खुश कर देने फिल्मा वहा वहा के। ठीक है, लेकिन उसकी सर्विस, उसका मेन काम एंटरटेनमेंट सर्विस देना है, लेकिन सर्विसेज के अंदर चीजें भी बिकती हैं, वहां पे जो काउंटर लगे होते हैं वहां पे आप बोतलें शोतलें खरीदते हैं, प्रोडक्ट भी है उसका कुछ पार्ट। तो हॉस्पिटल में जैसे मेडिसिन भी लोग लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का काम मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, एक्चुअली उनकी जो नेचर ऑफ बिजनेस है, पर्पज है, वो सर्विस है, लेकिन सर्विसेज बिजनेस कोई इंटायरली सर्विस नहीं होता, कहीं ना कहीं बीच में प्रोडक्ट इस्तेमाल होती हैं। अब हॉस्पिटल वाले भी तो मेडिसिन बेचते हैं, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, ऑडिट फर्म अपनी सर्विसेज बेचती है, वो सॉफ्टवेयर भी बेचती है, वो बना बना के उनकी प्रोडक्ट है, आपको पता है ऑडिट फर्म सॉफ्टवेयर बना बना के भी बेचती है, ईआरपी नहीं, वो ईआरपी सॉफ्टवेयर तो प्रॉपर कंपनी है जिन्होंने बनाया हुआ है, वो नहीं बना सकती ऑडिट फर्म, अगर वह बनाएगी तो बड़ा हल्का सा होगा सॉफ्टवेयर, नहीं कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर छोटे से इदारे का बना सकती है, बना बना के बेची जाती है। हाँ, मसलन प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं हमें सॉफ्टवेयर बना दे, तो वो एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, प्रॉपर्टी डीलर एक को देंगे, बाकियों को भी बेचेंगे जाके, बीडी ऑफिसर होता है, बीडी समझते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, वो जाके लोगों से मिन्नत तरला करता है कि यार साड़ी चीज ले लो, जैसे बैंक वाले भी होते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए भी आपको मिन्नत तरला करने आते हैं ना, वो बीडी ऑफिसर होते हैं। चलें जी आगे, तो ये बिजनेस, ये हमने बजटेड इनकम स्टेटमेंट किस बिजनेस की डिस्कस किया है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें हेडवाइज ब्रेकअप करना जरूरी नहीं है।
अच्छा, अगर आपको ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट चाहिए हो, अब बच्चे ये कहते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से इदारे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में रेस्टोरेंट्स, हाल तो रेस्टोरेंट जो है वो आपको फूड भी देते हैं, लेकिन असल चीज वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अगर फूड जैसा मर्जी हो, अगर सर्विस अच्छी नहीं हो तो शायद आप वहां पर फूड के लिए ना जाएं। तो उसके बाद आपका जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तमाम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, फॉर एग्जांपल अगर कोई है तो इसमें तमाम होलसेलर, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर, तमाम रिटेलर, ये तमाम आपके ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की इनकम स्टेटमेंट अगर आपने बनानी हो तो सिंपल है, वो ये है जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है जी। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की इनकम स्टेटमेंट है वो सेम वही है जो आपने इंट्रो, बस वहां पर आप एक्चुअल डेटा से बनाते हैं, यहाँ आप जो डेटा लेंगे वो बजटेड होगा जी। बजटेड इनकम स्टेटमेंट है तो इसीलिए इसमें सारा डेटा बजटेड ही होगा। तो सबसे पहले बजटेड सेल होती है, यस, बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट लेनी पड़ती है, एड इसमें आप करते हैं वो क्या नाम है, परचेजेस कॉस्ट इंक्लूडिंग कैरिज, ये वो जो भी है बजटेड ही सारा, लेस एंडिंग स्टॉक या क्लोजिंग, ठीक है। तो ये आपके पास ये कॉस्ट ऑफ सेल होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और ये एंडिंग स्टॉक। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल बाहर आ जाएगी, सिंपल सी, इसमें आपकी वही है, सारा डेटा बजटेड होगा। तो ये अब आपके पास आ जाएगा बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट। मसला ये है कि मैंने वैसे ज्यादा जो बात करनी है वो मैन्युफैक्चरिंग पे करनी है, बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट, और माइनस इसमें से क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बस सिंपल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जी, फिक्स सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस होंगे, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कुछ ना कहे तो फिक्स ही होते हैं मोस्टली, वो इसके बाद लेस कर सकते हैं आप। हमारे लिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वही नेट प्रॉफिट है, तो ये बार लेस करें तो ये आपके पास आ जाएगा बजटेड नेट प्रॉफिट। वो होती नहीं, दी नहीं होती, कोर एक्टिविटीज की फोरकास्टिंग करते हैं हमेशा, बजटिंग कोर एक्टिविटीज की होती है। अब आपको कहीं से रेंटल इनकम आएगा वो तो कंफर्म है, वो फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा को फायदेमंद नहीं है, ऐड करना चाहे दी हो तो ले लेंगे अदर इनकम जी। जनाब ऐसे ही है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ज्यादा मसला है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वो आपका पूरा बजट्स की हायरार्की अप्लाई होगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में कोई ऐसा इतना इशू नहीं है। मसला ज्यादातर किस बिजनेस का है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अगर आपने इनकम स्टेटमेंट देखनी है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट आपसे दो तरह से मांग सकता है, या तो एब्जॉर्प्शन से या मार्जिनल से। तो मैं पहले एब्जॉर्प्शन से बना रहा हूँ। ट्रेडिंग बिजनेस में ये मसला भी आएगा कि वो आपसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मांग रहा है या मार्जिनल कॉस्टिंग से मांग रहा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मांग रहा है या मार्जिनल कॉस्टिंग से। तो सबसे पहले बजटेड सेल रेवेन्यू माइनस इसमें से क्या करते हैं, बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल। एब्जॉर्प्शन से बना रहे हैं बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल में। अब आपको सारी वो सीजीएस का फॉर्मेट आपके जेन में होना चाहिए, या मैंने आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कल बताई थी, प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद आप आगे आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखनी पड़ती है डायरेक्ट, नहीं जी, डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज बजट से उठा के डायरेक्ट मटेरियल की यूजेज कॉस्ट, ये जो भी रकमें हम यहाँ पे लिखेंगे उसके लिए वर्किंग करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज बजट बनाएंगे या बना होगा, वहां से ये फिगर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसके लिए ये रकम कहाँ से आएगी,
वो जो लेबर का बजट पड़ा था, उसके बाद अगला बजट होता है एफओएच का। एफओएच के बजट से हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट, इकट्ठे भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट बजटेड, ये दोनों एफओएच के बजट से लिखेंगे। जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये रकम क्या कहलाती है, जी नहीं ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, इसको कहते हैं बजटेड, माशाल्लाह बजटेड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, खोता ही पूछ पाता कल दस्या जे, इसको कहते हैं बजटेड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। अगर ओपनिंग एंडिंग वर्क इन प्रोसेस ना हो तो ये फिर प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन अगर ओपनिंग एंडिंग वर्क इन प्रोसेस हो तो फिर ये बजटेड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है। इसके अंदर हम ऐड करते हैं, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और ये रेडीमेड नहीं दी होगी, वर्किंग करनी पड़ेगी, और लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। हमने इसको प्रीवियस वीडियो में या वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया जी, ठीक है जी, ये हो गया। अब ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपकी कहलाएगी बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसको आप आम अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहते थे, इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, बजटेड। यहाँ तक आपने अगर ये याद रखना है, ये आपने प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट बनाया है असल में। ये कौन सा बजट बना है, जिसमें ये डायरेक्ट मटेरियल के लिए आपको मटेरियल यूजेज का बजट चाहिए, लेबर कॉस्ट के लिए लेबर का बजट, इनके लिए एफओएच का बजट, ओपनिंग एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री की वर्किंग की होगी आपने, इसके बाद आपने ऐड क्या करना होता है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ये भी रेडीमेड नहीं होगी, वर्किंग करके आएगी, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बाद, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो ये बाहर आपके पास बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, यहाँ पे आपकी बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल मुकम्मल हो जाएगी जी। जी इससे आगे फिर सेम है, बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट है माइनस उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह, ये लेस करेंगे तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें तमाम चीजें वर्किंग करके आएंगी, कोई चीज रेडीमेड नहीं दी होगी। ये माजी में तो 20-20 22-22 नंबर का भी आता रहा, लेकिन आपको 15-14-12 इतने का आएगा। टेस्टिंग लेवल उतना ही होगा। अच्छा ठीक है, तो ये अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट है, याद रखिएगा ये वर्किंग करके आएंगी चीजें, इनमें से कोई भी चीज नहीं। सेल रेवेन्यू के लिए आपको सेल बजट बनाना पड़ेगा, मटेरियल यूजेज कॉस्ट के लिए कौन सा बजट बनाना पड़ेगा, मटेरियल यूजेज का, लेबर कॉस्ट के लिए लेबर का बजट, इनके लिए एफओएच का बजट, और ये ओपनिंग एंडिंग वर्क इन प्रोसेस और ओपनिंग और एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री आप निकालेंगे, ठीक है। वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग एडमिन, इनके लिए अलग वो सेलिंग एक्सपेंस का एडमिन एक्सपेंस का बजट क्या कहते हैं, बात समझ आ रही है। इनमें से कोई भी चीज आपको रेडीमेड नहीं दी होगी। अच्छा यही अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से बनाना पड़े, यही सारा फॉर्मेट अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से बनाना पड़े, जी अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से बनाना पड़े तो कुछ चेंजेस आएंगी। बजटेड सेल सेम वही आएगी जो ऊपर लिखी थी आपने, सेम सेम का मतलब है एब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में क्या होगी, सेम। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो आई थी वहां पे वो और यहाँ सेम होगी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी जो एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट में आई थी मार्जिनल में वो भी क्या होगी, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट जो मार्जिनल में एब्जॉर्प्शन में आई थी वही, ये फिक्स्ड एफओएच इधर से बजटेड उड़ा देंगे। जब ये आप इसको उड़ाएंगे तो ये जो आपके पास अब फिगर आएगी इसको कहा जाएगा बजटेड टोटल वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट, बजटेड टोटल वेरिएबल फैक्ट्री। अब इससे नीचे वाली कोई फिगर सेम नहीं होगी, किसमें जी जनाब क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में आती प्रोडक्शन कॉस्ट है सिर्फ, अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ हेड, अभी ये कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आई, बल्कि ऊपर हेडिंग यहाँ पे होगी बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। डायरेक्ट मटेरियल सेम वही वाला, लेबर सेम वही वाली,
वेरिएबल एफओज, तो ये क्या आ गई, बजटेड टोटल वेरिएबल। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ये अलहदा निकालनी पड़ेगी। ये रकम सेम वो नहीं होगी जो एब्जॉर्प्शन में थी, जिसके साथ मैंने सेम रखा, सिर्फ ये एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में सेम होगी, बाकी सारी फिगर्स क्या होंगी, डिफरेंट। इसके बाद इसमें से लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिया हुआ ये कि ओपनिंग और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग और एंडिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं। ये जो आएगा इसको कहेंगे बजटेड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसके अंदर ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री और लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो ये आपके पास बाहर आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, ये बाहर आपके पास जो आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, मार्जिनल कॉस्टिंग की खूबियां कि उसमें से पहले वेरिएबल प्रोडक्शन नेचर की जो कॉस्ट है वो लेस करते हैं, अब इसमें से वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करना है इसके बाद। तो अब इसके बाद आपने जो इसमें से लेस करना है वो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करना है। वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो जो वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग थी सेम वही होगी जो मार्जिनल में थी, ओ एब्जॉर्प्शन में थी, ये सेम होगी। एडमिन में वेरिएबल नहीं होती, एडमिन मोस्टली फिक्स होती है, इसीलिए मैंने सिर्फ सेलिंग और मार्केटिंग लिखा है। अब जब आप सेल में से ये दोनों लेस करेंगे तो जो अब आपके पास जवाब आएगा उस जवाब का नाम होगा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन या बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। हाँ जी, बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से लेस करनी है बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आएगा, हाँ वो जो ऊपर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे वो सेम वही ऊपर वाले आएंगे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स सेम वही आएंगे जो एब्जॉर्प्शन में लिखे हैं, ये भी सेम वही आएंगे जो एब्जॉर्प्शन में लिखे हैं, ये भी वही आएंगे सेम जो के एब्जॉर्प्शन में लिखे हैं, क्योंकि एडमिन कॉस्ट मोस्टली फिक्स होती है। और ठीक है, ये जिनके साथ मैंने सेम लिखा है इसका मतलब है ये फिगर्स मार्जिनल में और एब्जॉर्प्शन में दोनों में क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये बजटेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बस। अच्छा, दोनों नहीं आने को, ये एक आना है, या एब्जॉर्प्शन आएगा या आपको पेपर में क्या आएगा मार्जिनल, दोनों नहीं आएगा वो तो मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बड़ा लंबा सवाल हो जाएगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं पार्ट बन के, यहाँ बजटिंग में कोई एक होता है, या वो कहता है कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करती है या कंपनी क्या यूज करती है, मार्जिनल कॉस्टिंग। जी जनाब, कोई मसले मसाइल है तो पूछ लें, ये फाइल आपको मिल जाएगी, वैसे तो नोट्स में भी फॉर्मेट बना हुआ है लेकिन ये फाइल में आपको, हमें मेन मैं वही कराऊंगा, मैं एक ही बिजनेस कराऊंगा, वो कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग, मैं ट्रेडिंग नहीं कराऊंगा क्योंकि उसके सवाल कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा कॉन्सेप्ट, लेकिन आना नहीं, मेन सवाल आपको मेन ज्यादा आया है कितने कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपनी वर्किंग का एक सीक्वेंस फॉलो किया हुआ है, मैं हर दफा चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैंने एक वर्किंग का सीक्वेंस फॉलो किया हुआ है, वो वर्किंग का सीक्वेंस अगर आप फॉलो करते जाए वैसे ही, तो आपका सबसे पहला काम तो आपने फॉर्मेट बना लेना है विदाउट फिगर्स, फिर वो फिगर लिखनी है जिनके लिए कोई वर्किंग की जरूरत सीधी सीधी दी हुई है, फिर आपने वर्किंग शुरू करते जानी है, वर्किंग करते जाएं लिखते जाएं। तो मेरा वर्किंग का सीक्वेंस का डाटा ये है कि सबसे पहले मैं प्रोडक्शन यूनिट्स नॉर्मली नहीं दिए होते तो मैं प्रोडक्शन यूनिट्स या सेल यूनिट्स या कोई और यूनिट जो हो मिसिंग हो स्टॉक के यूनिट्स, मैं सबसे पहले यूनिट्स निकालता हूँ। सबसे पहले क्या निकालता हूँ, मोस्टली प्रोडक्शन यूनिट नहीं दिए होते तो प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ता आपको, ठीक है। सबसे पहली वर्किंग हम किसकी करेंगे, यूनिट्स की, सेल यूनिट्स की भी करनी पड़ सकती है, इसमें वो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो मैंने आपको प्रोडक्शन बजट में बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन यूनिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में से जो तीन दिए होंगे चौथी फिगर बैलेंसिंग आ जाएगी। क्या बात समझ आ रही है, तो सबसे पहली वर्किंग हम किस चीज की करेंगे, यूनिट्स की, मोस्टली प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे।
अगर प्रोडक्शन यूनिट दिए हुए हैं बजटेड प्रोडक्शन यूनिट, तो फिर हम निकालेंगे बजटेड सेल यूनिट या स्टॉक के यूनिट्स। उसके बाद नंबर टू वर्किंग में सेल बजट बनाएंगे, यानी हम बजटेड सेल रेवेन्यू निकालेंगे, बजटेड सेल रेवेन्यू निकालेंगे। नंबर थ्री में, नंबर थ्री में हर किस्म की बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, हर किस्म की फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। अब उसमें डेफिनेटली आपको किस किस कॉस्ट से वास्ता पड़ेगा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड से इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इसमें फैक्ट्री के एसेट्स की डेप्रिसिएशन होती है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वॉल्यूम से चेंज नहीं होती इसीलिए इसको पहले कर रहा हूँ, वेरिएबल बाद में करूंगा। वेरिएबल कॉस्ट ना असल में वॉल्यूम से कम ज्यादा होती रहती है। अगर आपका वॉल्यूम 10% बढ़ गया तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट टोटल 10% बढ़ जाएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम के साथ डिपेंड, इसीलिए मैं पहले ये करूंगा। तो फिक्स सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और उसके बाद तीसरी फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। जो फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री के एसेट्स है, उनकी डेप्रिसिएशन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगी। जो सेल्स डिपार्टमेंट की गाड़ियां, व्हीकल और इस तरह के एसेट्स है सेल्स डिपार्टमेंट के, वो फिक्स सेलिंग कॉस्ट में उनकी डेप्रिसिएशन आएगी। और हेड ऑफिस के जो एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन जो है वो एडमिन कॉस्ट में आएगी। इसके बाद मैंने अगली वर्किंग जो करनी है वो तमाम वेरिएबल कॉस्ट की करनी है, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में इस्तेमाल होनी है। अब वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल की यूजेज कॉस्ट, ये बजट बनाने पड़ेंगे आपको, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिन में वेरिएबल नहीं होती, ये सारी हम कॉस्ट या कोई और अदर वेरिएबल, ये सारों की वर्किंग करेंगे। ठीक है, नहीं समझ आ रही? अच्छा, आगे चलते हैं। ये वर्किंग नहीं हो सकती नोट्स में, क्योंकि ये बजट तो हम पढ़ाए हैं पहले, ये सवालों में ही करेंगे, ये वर्किंग रेडीमेड नहीं मिलेगी। फॉर्मेट इसका कोई नहीं है फिक्स, जैसे मर्जी करो, लेकिन आपको इसके लिए फॉर्मूला याद हो। अब डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट में मैंने आपको कराया था यूजेज कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट करोगे तो मटेरियल की क्वांटिटी आएगी, फिर इनटू मटेरियल की प्राइस। जो मैं आपको पीछे सारे बजट बता के आया हूँ वो यही तो थे भाई, वो वर्किंग कराया हूँ मैं आपको, एक्चुअली आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, इसके बाद आखिरी वर्किंग कौन सी होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज निकालूंगा। आखिरी वर्किंग में किस चीज की करूंगा, वो जो प्रीवियस लेक्चर में की थी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और क्या था, ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालूंगा। अगर ये हुए तो ये एक सवाल में ये सारा प्लंदा हो पॉसिबल नहीं है। कई दफा तो इन्वेंट्रीज ही नहीं होती, जब इन्वेंट्री नहीं होती तो ये वर्किंग पॉइंट डिलीट हो जाएगी। कई दफा ये मटेरियल लेबर अलहदा अलहदा देने की बजाय वो कहता है सारी वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी दे देता है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आप वो अलहदा अलहदा वर्किंग नहीं कर सकते। ये मैंने जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो हैवी सवाल आ सकता है इस सजेस्टेड सीक्वेंस से। मैं सीए फाइनल के सवाल असल में करवाता रहा हूं, वो बड़े हैवी होते थे, तो फिर इसी वजह से अब मैं ये सीक्वेंस यहाँ पे भी फॉलो करता हूँ। अप्रोच आती हो आपको तो आप लड़ लेंगे, अगर आपको यही नहीं पता कि मैंने आगे क्या करना है फिर मुश्किल है। तो सबसे पहला तरीका है इनकम स्टेटमेंट में पहले फॉर्मेट बनाएं विदाउट फिगर्स, सिंपल फिगर पुट करें, फिर इस तरह वन बाय वन वर्किंग करते जाएं और फिगर्स क्या करते जाएं लिखते जाएं। ठीक है भाईजान, ले जी ये मुकम्मल हो गया, ये फॉर्मेट आपको भेज दिया जाएगा। कोई सवाल पूछना हो आपने, पहले क्वेश्चन आपने एक दफा पढ़ना है ताकि आपको पता तो चले कि चीजें हैं क्या, फिर उसके मुताबिक ये फॉर्मेट बनाना है, मोल्ड किया जा सकता थोड़ा बहुत। बड़ी करके कैसे दिखा दे, ऐसे ये ले।
तानू फाइल लग जानी है, टेंशन का दी है, नीचे आ जाओ। अच्छा आपको नोट्स मिले हैं जिनमें पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन नंबर टू पर आए, क्वेश्चन नंबर टू पर आए। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं भाईजान शराज साहब, आप आजाद हैं, पाबंदी नहीं होती फॉर्मेट की हमारे सब्जेक्ट में भी, वो मैंने अपने लिए की हुई है फिक्स, मैंने सारे सवाल एक ही फॉर्मेट से करने होते हैं, मेरी आदत है, क्योंकि मुझसे गलतियां होती हैं बहुत ज्यादा, फिर मैं अगर एक फॉर्मेट से करूंगा तो फिर मेरे लिए आसान है। जी क्वेश्चन नंबर टू करना है जनाब, जी क्वेश्चन नंबर टू पर आ जाए। जी जरा देखें क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा जी आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर टू, वो कहता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कंप्यूट द टोटल बजटेड प्रॉफिट अंडर प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में प्रॉफिट निकालना है और आपने किस में निकालना है, प्रपोज सिचुएशन में प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। इसका मतलब है क्वेश्चन में डेफिनेटली कोई चेंज बताई होगी, तो बिफोर चेंज अगर आप प्रॉफिट निकालते हैं तो वो प्रेजेंट होगा, और चेंजेस के बाद वाला प्रॉफिट निकालते हैं तो वो क्या होगा, प्रपोज होगा। कुछ ना कहा जाए क्वेश्चन में तो ये दोनों प्रॉफिट आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकालने, कुछ ना कहा जाए रिक्वायरमेंट में क्लियर, ऊपर भी वैसे कुछ नहीं कहा हुआ, तो आपको ये दोनों दफा जो प्रॉफिट निकालने हैं वो किस मेथड से निकालने हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की मदद से निकालने हैं। इफ एग्जामिनर इज साइलेंट तो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला फॉर्मेट फॉलो करना है, जिसमें फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के साथ ही आती है फैक्ट्री की। डेटा ऊपर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहता है द होम अप्लायंसेस डिवीजन ऑफ ओमेर एंटरप्राइजेस असेंबल एंड मार्केट्स टेलीविजन सेट्स, ये टीवी बना के बेचते हैं, ओमेर एंटरप्राइज का कोई डिवीजन है, हमारी जो कंपनी जिसके लिए हमने सवाल हल करना है वो कौन सी है, ओमेर एंटरप्राइजेस का होम अप्लायंसेस डिवीजन। तो असल में मेन कंपनी है ओमेर, वो क्या बना के बेचते हैं, टीवी सेट्स। द कंपनी हैज लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद अ फॉरेन सप्लायर फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक किट्स फॉर इट्स टीवी सेट, ये असल में जो टीवी में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल किट है ना, इलेक्ट्रॉनिक किट, ये सप्लायर से खरीदते हैं, किससे, कौन से सप्लायर से, और इन्होंने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया हुआ, इसका मतलब है अगले सालों में भी इनको चीज खरीदने में कोई मसला नहीं, कम भी खरीद सकते हैं और ज्यादा भी खरीद सकते हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि इनको एग्रीमेंट की वजह से ये आजादी होगी कि कम या ज्यादा क्वांटिटी अगर खरीदना चाहे तो वो खरीद सकते हैं और लंबे अरसे तक खरीद सकते हैं। डेटा आपको क्या दिया हुआ है, रेलेवेंट डिटेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बजट, जी ये सारा डेटा आपको बजटेड दिया हुआ है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिया हुआ है। सी एंड एफ ये कॉस्ट एंड फ्रेट वैल्यू को कहते हैं या कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू को भी कहते हैं, ये चीज की असल में परचेस कॉस्ट होती है, तो सी मीन्स कॉस्ट, एफ मीन्स फ्रेट, या आप फ्रेट नहीं कहना चाहते तो कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, वैसे ज्यादातर फ्रेट होता है, तो ये असल में ये जो किट परचेज करते हैं ना तो ये उसकी असल कॉस्ट है विद किराया, हाँ 9500। इसी किट को इंपोर्ट करने पर इनको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है 9900। तो हमने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है कि किसी भी आइटम को परचेज करने या मटीरियल है ये किट परचेज करने पर जो भी खर्चा होता है, जो भी टैक्सेस वगैरह है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक किट 9500 की काउंट करेंगे तो गलत है, एक्चुअली हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक किट उसमें लग रही है उसकी कॉस्ट असल में हम क्या काउंट करेंगे,
कुछ ना बचाए तो ए बताए तो एक टीवी पर फिर एक किट लगेगी, ये अजम्पशन है, यानी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो ये आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लोकल वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का मतलब प्रोडक्शन है, यानी आप मटेरियल मंगवाते हैं किट, उसके बाद वहां से टीवी को अपने पास यहाँ लोकल कंट्री में असेंबल करते हैं, तो ये आपकी असल में जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लोकल वैल्यू एडिशन दी हुई है, ये एक्चुअली आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है पर यूनिट 3500 रुपए, ये पर टीवी सेट का मतलब पर यूनिट है। वेरिएबल सेलिंग और एडमिन, ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनती है। किसका पार्ट बनती है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने मिलियन दिए हुए टोटल? 12 मिलियन के, और फिक्स सेलिंग कॉस्ट दी हुई है 9 मिलियन। तो ये जो फिक्स वाले हैं ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे और ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है। कहता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन विच इज जी, अगर आपको ये जो 12 मिलियन की फिक्स कॉस्ट है इसको अगर पर यूनिट पे कन्वर्ट करना हो तो जो आपने बेस पे यूनिट रखने हैं वो कितने रखने हैं? 5000 यूनिट। यही बजटेड प्रोडक्शन है इनकी और यही बजटेड सेल है, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री का जिक्र नहीं है, आगे भी पढ़ लेंगे, इन्वेंट्री नजर नहीं आ रही पूरे क्वेश्चन में। तो ये बजटेड प्रोडक्शन भी है यूनिट्स और ये बजटेड सेल यूनिट भी है। द प्रेजेंट सप्लाई चेन इज एज फॉलो। सप्लाई चेन होती है कि आप अपनी चीज को बेचने के लिए कितने मिडिल मैन को बीच में इन्वॉल्व करते हैं। तो इनकी प्रेजेंट सप्लाई चेन क्या है कि जो उमेर एंटरप्राइज कंपनी है वो अपनी चीजें, ये जो टीवी बनाती है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देती है। उमेर एंटरप्राइज टीवी किसको बेचते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर को, और प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस, ये टीवी कस्टमर को नहीं बेचते, ये टीवी बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर आगे से टीवी बेच देता है होलसेलर को 10% मार्जिन ऐड करके, होलसेलर आगे बेच देता है रिटेलर को, और रिटेलर आगे बेच देता है फाइनल कंज्यूमर को, और वो रिटेल प्राइस पे बेचता है। हर बंदे का अपना अपना प्रॉफिट दिया हुआ है। ये बात आप आम जिंदगी के लिए भी याद रखें, जितने हाथ दरमियान में इन्वॉल्व होते हैं, जितने मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं, उतना प्रॉफिट इदारे का, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि वो लोग भी प्रॉफिट अपना अपना ऐड करते हैं, और फाइनल कंज्यूमर तक जो चीज पहुंचती है वो एक्सपेंसिव होती है थोड़ी सी। क्या बात समझ आ रही है? जितने लोगों के हाथ से चीज जाएगी, सब बंदे ने अपना बीच में प्रॉफिट क्या करना है? ऐड करना है। तो डेफिनेटली चीज की जो सेल प्राइस है वो बढ़ जाएगी, एंड कंज्यूमर को जो चीज मिलेगी वो महंगी मिलेगी, और आपने जो प्रॉफिट आपकी कंपनी ने कमाना था मैन्युफैक्चरर ने, वो दरमियान वाले ज्यादा कमा जाएंगे, मैन्युफैक्चरर शायद इतना प्रॉफिट ना कमा पाए। तो ये जो चेन में जितने बिजनेसेस होते हैं, ये सप्लाई चेन है कि आपकी चीज कस्टमर तक पहुंचने का तरीका क्या है। यानी हमारी कंपनी का नाम है जिसके लिए हमने सवाल हल करना है, उमेर एंटरप्राइज बेचती है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आगे से बेचता है होलसेलर को, होलसेलर आगे से बेचता है, और आगे से रिटेलर जो है वो फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। तो इसका मतलब है इस इदारे का जो टीवी है वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो दरमियान में 3 मिडलमैन इन्वॉल्व है। क्या बात समझ आ रही है? नो डाउट उमेर एंटरप्राइज का तो रेवेन्यू जितने पे बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को वही है जी, उस पर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। ये क्यों दी हुई है पूरी चेन अभी नहीं पता। नेक्स्ट वो क्या कहता है? कहता है परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन, परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, अ बिजनेस कंसल्टिंग फर्म वाज हायर्ड टू असेस द सिचुएशन एंड इट हैज रिकमेंडेड द फॉलोइंग स्टेप्स। ये अब आपको चेंजेस बताई हुई है। ये चेंजेस किसके लिए होंगी? प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट के लिए कि प्रपोज के लिए? प्रपोज के लिए, प्रेजेंट में ये इस्तेमाल नहीं होगी। वो कहता है रिड्यूस द एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन बाय एलिमिनेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड, क्या मतलब है इसका? हमने इनसे माजरत कर ली, हमने डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से कहा जनाब हमारे टीवी अब आपके जरिए नहीं जाने, हमने आपको देने ही नहीं जी। ठीक है, यानी ये दारा क्या कर रहा है? ये बीच में से मिडल मैन उड़ा रहा है ताकि मुनाफा हमें भी मिले सारा। तो ये चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर, इनको रिकमेंडेशन आई है कि भाई आप अपनी चेन को कम करें और बीच में से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को एलिमिनेट कर दे। दूसरा रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस कौन सी प्राइस है? जो उमेर एंटरप्राइज की अभी वाली है या जो रिटेलर बेच रहा था? उमेर एंटरप्राइज की जो प्राइस थी ये रिटेल प्राइस नहीं थी,
रिटेल प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे फाइनल कंज्यूमर को चीज दी जाती है। तो वो कहता है जो फाइनल कंज्यूमर को चीज पहले जा रही थी ना, उसकी प्राइस को 5% क्या कर दें ताकि कस्टमर को भी फायदा हो जाए। दो चेंजेस। तीसरा, ऑफर सेल कमीशन टू रिटेलर्स एट 15%, इनकी भी छुट्टी करा दें। इन्हें बस कहें भाई आप हमारी चीजें बिकवाएं, हम आपको बस कमीशन देंगे, आप चीजों के ऑनर नहीं होंगे, आप चीजों में आप प्राइस सेट नहीं कर सकते चीजों की, आप बीच में अपना प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकते, बस आप हमारी चीजें लेंगे और एज अ कमीशन एजेंट हमारी चीजें क्या करेंगे बेचेंगे, जिसके बदले हम आपको कितने परसेंट कमीशन देंगे, 15% ऑफ रिटेल प्राइस। हम खुद डायरेक्ट सप्लायर बनना चाह रहे हैं जी, लेकिन बीच में रिटेलर को इन्वॉल्व किया है एज अ कमीशन एजेंट। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? यानी फ्रंट पे हमारी कंपनी आ रही है। आगे नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस। प्रोवाइडिंग, हाँ जी, पहले हम शायद आफ्टर सेल सर्विस नहीं देते थे, जिसका टीवी बिक गया खराब हो गया बट ठीक है, अब हम शायद उनको 2 साल 1 साल के लिए फ्री सर्विस देना चाह रहे हैं तो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली इस पे दारा मुक्त तो नहीं होगा, इस पे को खर्चा आएगा, तो वो नीचे खर्चा बताया हुआ है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस इज एस्टिमेटेड 450 रुपीज पर टीवी सेट। समझ आ रही है? ये नीचे दिया हुआ था 450 रुपए एवरेज आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वो कहता है हम एडवर्टीजमेंट कंपेन लॉन्च करेंगे जिसकी कॉस्ट कितने मिलियन होगी, 5 मिलियन। तो ये जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगी, ये जो आफ्टर सेल सर्विस है इसका भी ताल्लुक सेल के साथ है, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगी, ये जो कमीशन आप ऑफर करना चाह रहे हैं ये भी सेलिंग मार्केटिंग है तो ये ऑपरेटिंग में आएगी। इसका मतलब है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, जो चेंज है ना आपकी वो सेलिंग मार्केटिंग इनमें इजाफा हो गया। उसके बाद वो कहता है इस लाइन में कहता है इट इज एक्सपेक्टेड दैट अबव स्टेप्स विल इंक्रीज द डिमांड बाय 1500 टीवी सेट आपके पहले से ज्यादा बिकेंगे। तो पहले हमारी जो डिमांड है या प्रोडक्शन सेल है वो 5000 यूनिट है, जब आप ये स्टेप अप्लाई करेंगे तो आपकी नई प्रोडक्शन और सेल कितनी होगी, 6500 यूनिट्स। ये किस चीज का मैन्युफैक्चरर था बिजनेस, टीवी का। क्या इसमें कोई इन्वेंट्रीज दी हुई थी ना, इस सवाल में वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है ना इसमें फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, तो इसमें तो डायरेक्ट आप बस जब मटेरियल लेबर जमा करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल सीधी सीधी निकल आएगी। यानी इस सवाल में हमारी जो स्टेटमेंट है उसका फॉर्मेट बड़ा शॉर्ट सा होगा, तो पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे अब्सॉर्प्शन वाले तरीके से। बनाए जी फॉर्मेट, विदाउट फिगर्स फॉर्मेट बनाए। फॉर्मेट नीट ही होता भाई, क्या करते हो। ओमेर एंटरप्राइजेस जी, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रेजेंट सिचुएशन। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर प्रेजेंट सिचुएशन। रुपीज इन थाउजेंड, पूरी पूरी फिगर लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जी जनाब, अगर हम फॉर्मेट की तरफ एक दफा दोबारा आए जो एब्जॉर्प्शन से बनाया हुआ था, तो हम अपने फॉर्मेट में से देखें तो ये सेल आएगी, मटेरियल कॉस्ट आएगी इलेक्ट्रॉनिक किट के नाम से, ये सब कुछ इकट्ठा कर दिया उसने, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एडिशन। हाँ, उसके बाद फिक्स्ड एफओएच आएंगे, ये कुछ नहीं है ना, ये है नहीं है ना, तो नहीं लिखेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मेरा ख्याल है ये मौजूद है वेरिएबल सेलिंग, अगर आप सवाल पे फोकस करें मेरा ख्याल है ये फिक्स सेलिंग भी है, ये को एडमिन शेडमिन नहीं है।
तो हम इसको देख के फॉर्मेट बना सकते हैं अपना, तो लिखें जी स्टार्ट करें, मैं अपने फॉर्मेट उसी तरह बनाता रहूंगा। तो बजटेड सेल रेवेन्यू जो चीजें मैंने लिखी है, बाकी फ्लक्चुएशन आप कर सकते हैं। बजटेड सेल रेवेन्यू लेस विदाउट फिगर्स, आप पहले फॉर्मेट लिखें। किसने कहा है बेटा जो मैन्युफैक्चर, आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो चीजें बना के बेचता है, तो अब बाद में भी उसने बना के बेचनी है, खरीद के तो नहीं बेचनी। फिर भी वो लीडिंग काम उसका मैन्युफैक्चरिंग ही होगा, पहली प्रेफरेंस मैन्युफैक्चरिंग ही होगी। उसको आप मैन्युफैक्चरर प्लस ट्रेडर कह सकते हैं। नहीं, आपने सवाल पूछा उसका है कि वो ट्रेडिंग बिजनेस है कि मैन्युफैक्चरिंग, ये तो बात आपने पूछी नहीं कि पहला बजट केड़ा बनाना है। ताड़े दिमाग से सवाल है, मेरे दिमाग से वही सवाल है जेड़ा ने पुट कीता पाए, गलत सवाल पूछा है। तो सवाल अद्धा दस के मैनू दसिया भी नहीं, तो जवाब की एक्सपेक्ट करना है? आप जवाब एक्सपेक्ट कर रहे, सवाल उन्होंने पूछा था, मैं समझ रहा हूँ आप उनके सवाल की कॉन्टिन्यूटी में सवाल पूछ रहे हैं, तो तुम एक और सवाल डालता है बोला था, सवाल तो पूरा पूछो। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा? मैं अपने फॉर्मेट पे चलता हूँ, तो वो मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा? मटेरियल है लेकिन नाम उसका वही लिखें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक किट की कॉस्ट, इलेक्ट्रॉनिक किट की कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट वगैरह नहीं दी हुई, उसने नाम रखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन को कहते हैं, इम्प्रूवमेंट को प्रोडक्ट बनाने में। उसके बाद आएगा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसके बाद जो भी हम लिखते हैं सारी चीजें उड़ा देंगे, ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ना एंडिंग है, ना ओपनिंग फिनिश गुड्स है, ना एंडिंग है। तो फिर ये डायरेक्ट आपके पास ये जो जवाब निकल आएगा ना, ये एक्चुअली क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल ही होना है। क्या कहते हैं? ठीक है, बाकी आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। तो बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल में से अब मैं माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट, बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट लेस इसमें से अब हमने करना है बजटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बजटेड का लफ्ज लिखना भी जरूरी नहीं है, वो तो मैं बस लिखे जा रहा हूं। यानी बहुत सी चीजों में आप आजाद हैं जनाब, कोई टेंशन नहीं है जी, लेकिन कोशिश करें कि सीक्वेंस एक फॉलो करते रहें जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में और एडमिन का नाम से है, वेरिएबल सेलिंग और एडमिन कॉस्ट के नाम से है, फिक्स सेलिंग और एडमिन के नाम से है, फिक्स सेलिंग और एडमिन के नाम से है। तो ये आप लेस करेंगे इधर, तो आपके पास ये बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा अंडर प्रेजेंट सिचुएशन। बजटेड प्रॉफिट अंडर प्रेजेंट सिचुएशन, सेम इसी तरह प्रपोज सिचुएशन का भी फॉर्मेट बना लो। वैसे तो आप इसको फिल कर सकते हैं लेकिन बनाओ जल्दी करो, टाइम बचाना चाह रहे हैं। प्रपोज का भी फॉर्मेट बनाओ, फिगर कोई नहीं लिखनी, बस आपने फॉर्मेट बनाना है और उसमें जो चीजें आनी है वो एक्स्ट्रा चीजें आपने खुद लिखनी है, कहाँ आनी है करो, लिखो जल्दी से। मैं किसी एक से पूछता हूँ अभी, आप प्रपोज सिचुएशन का भी बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओ। जी जनाब, तो फॉर्मेट जो बनेगा अगला, मैं भी जरा बना लेता हूं। बजटेड
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रपोज्ड जो फॉर्मेट बना लेते हैं ना वो पहले वो फिगर्स लिखें जिनके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करें क्वेश्चन से, जो बचे फॉर्मेट बना लेते हैं वो फिर ये करेंगे, ठीक है। अच्छा, बजटेड सेल माइनस बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल, तो डायरेक्ट मटेरियल में इलेक्ट्रॉनिक किट की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर वगैरह नहीं दी हुई, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वैल्यू एडिशन और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो ये टोटल करेंगे तो ये बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग बजटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। उसके बाद क्या नई चीजें क्या आई हैं जनाब? कमीशन आई है, कमीशन टू रिटेलर, कमीशन कॉस्ट है रिटेलर की, और उसके बाद आई है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। और एक थी आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट, आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट। तो ये सारे क्योंकि सेलिंग के खर्चे हैं तो ये ऑपरेटिंग के सेक्शन में आ गए। तो बजटेड नेट प्रॉफिट ठीक है जी, क्या कहते हैं फॉर्मेट बन गया। अब हम इसमें से जो सिंपल फिगर है जिनके लिए कोई वर्किंग नहीं चाहिए हम वो कॉपी कर लेते हैं जी। आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए थे 12 मिलियन विदाउट वर्किंग के, कॉपी कर लें 12 मिलियन। फिक्स्ड सेलिंग भी दिए हुए थे, डायरेक्ट कॉपी कर लें, फिक्स्ड सेलिंग थे 9 मिलियन। और कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है जो बगैर वर्किंग के रेडीमेड कॉपी करनी हो। कुछ ऐसी फिगर हैं जिनके लिए जो तो बहुत सिंपल है, मसलन आपको सेल प्राइस नहीं दी हुई, सेल यूनिट्स पता है, उसके लिए वर्किंग करनी पड़ सकती है। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई है, मैंने अब आपको यहाँ पे बताया था मटेरियल यूजेज बजट में कि मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट को इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स करना होता है, कि हमने मटेरियल यूजेज बजट में पढ़ा था। तो एक यूनिट पे कितना मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक किट कितने की है, 9500 की असल किट थी, 900 रुपया उसको लाने का खर्चा था, तो मिलाकर टोटल एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट है 10,400 रुपए, और इंटू 5,000 टीवी सेट्स यूनिट बनाने हैं। इसी तरह कैलकुलेटर एक ही दफा पकड़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वैल्यू एडिशन 3500 रुपए पर यूनिट थी, इंटू 5,000 यूनिट्स, सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट 900 रुपए पर यूनिट थी शायद,
इंटू 5000 यूनिट्स जी। तो अब ये फिगर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके लिए कोई अलहदा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी फिगर्स थी जो इसके फेस पे कैलकुलेट हो सकती थी। तो ये आ जाता है 52,000। यही आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, यही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो 900 इंटू 5000 4500 13500 ठीक है। अब सिर्फ हमें सेल चाहिए। तो उसने कहा था उमेर एंटरप्राइज किस वैल्यू पे चीजें डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं, ये जो चीजें बेच रहे हैं ये चीजें किसको बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को प्रेजेंटली, ये डिस्ट्रीब्यूटर को चीजें बेच रहे हैं ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को चीजें जब बेचते हैं तो उसने कहा था द कंपनी सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 25% मार्कअप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस यानी जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो 100% होगी, 25% मार्कअप है। तो सेल प्राइस 125% होगी। हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल में मौजूद है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट भी है 81,500, प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, सेल भी है, ये अब आप निकाल सकते हैं। 81,500 125% पे पड़ा हुआ है। गलत है। 81,500 100% पे पड़ा हुआ है, इसको 125% पे लाना है। 81,500 इंटू 125% डिवाइडेड बाय 100% या 1.25 से ही मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट जी, एक ही बात है 101। अभी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रही है, बाद में कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचेगी। तो 101875 माइनस 81,500 20375 जी, 1.25 भी कर सकते हैं जी बिल्कुल। तो माइनस 13,500 तो 68,758 ये इस इदारे का प्रेजेंट प्रॉफिट है। अब कुछ रकमें तो बहुत ही सिंपल थी तो वो मैंने फेस पे कर दी, वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो वर्किंग सामने ही होगी, बहुत छोटी सी है। जी जनाब चेक कर ले क्या ये ठीक है डाटा, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रेजेंटली जो उमेर एंटरप्राइज है वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहे हैं, कंज्यूमर को नहीं। जब प्रपोज सिचुएशन आ रही है ना तो ये एजेंट के जरिए चीजें बेच रहे हैं, लेकिन बेच किसको रहे हैं डायरेक्टली, कंज्यूमर्स को। नए केस में इन्होंने कंज्यूमर को डायरेक्ट चीजें बेचनी है, वो अलहदा बात है कि एजेंट रखा है कमीशन पे ताकि कस्टमर ढूंढ के लाए। अब नए केस में कौन कौन सी ऐसी फिगर है जिनके लिए कोई वर्किंग नहीं चाहिए, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 12,000 ही रहेगा, 12 मिलियन, फिक्स सेलिंग एडमिन 9,000 है, एडवर्टाइजमेंट की टोटल कॉस्ट 5 मिलियन थी, तो 5 मिलियन कॉपी करना है डायरेक्ट उठा के। अच्छा अब आपको वो करनी है आसान आसान जिनके लिए कैलकुलेटर फटाफट आप कर सकते हैं, तो मैं चलो यहीं से शुरू कर देता हूँ। आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट है 450 रुपए, 5000 नहीं करना, 6500 से क्यों करना है, क्योंकि अब नए केस में जी। तो सिंपल सा डाटा है, मल्टीप्लाई करते जाएं 6500 यूनिट्स जी।
450 ये प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट है, 450 कॉस्ट है, तो 450 इनटू 6500 2925। सेल करने के बाद जब लोगों की चीज खराब हो जाती है तो उसको सही करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट। अच्छा, कमीशन अभी आ ही नहीं सकती क्योंकि सेल पे है। हाँ, वेरिएबल सेलिंग एडमिन 900 रुपए पर यूनिट थी। फाइव एट ये अभी रहती है कमीशन, क्योंकि वो सेल के बगैर नहीं आ सकती। आगे चलें, ऊपर वाली ये सेम रहेगी, क्या नाम है, नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी वैल्यू एडिशन की 3500, लेकिन यूनिट चेंज हो गया, अब 6500 यूनिट्स। डबल टू 750 किट की कॉस्ट थी 10,400 रुपए पर। अच्छा जी, तो 10,400 इंटू 65 तो 67 डबल टू 750 प्लस 12,000 तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 102 और यही कॉस्ट ऑफ सेल है 102350। हाँ जी, 102350। मेरा ख्याल है सिर्फ अब सेल प्राइस अगर आ जाए तो आपके लिए सेल रेवेन्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है। और सेल प्राइस भी कौन सी वाली लेनी है, अब ये डायरेक्ट रिटेल प्राइस पे बेचेंगे जी, कम करनी है तो आ जाए जी, वर्किंग करें। बस ये जिसको मार्कअप मार्जिन पता है वो ये वर्किंग डील कर सकता है, तो आ जाए जी जरा वर्किंग नंबर वन। रिवाइज्ड रिटेल प्राइस, पर यूनिट या पर टीवी सेट, इसके लिए आपको लेकिन पहले करंट वाली रिटेल प्राइस निकालनी पड़ेगी ताकि आप उसको 5% कम कर सके। तो करंट रिटेल प्राइस दी नहीं हुई, रिटेल प्राइस तो है ही नहीं आपके पास। उमेर एंटरप्राइज रिटेलर नहीं था, उमेर एंटरप्राइज रिटेलर नहीं था। रिटेलर की सेल प्राइस जो होगी वो निकालनी पड़नी है, पूरी चेन से आपको यहाँ तक जाना पड़ना है, ये चेन में आपको यहाँ तक जाना पड़ना है। हमारी प्राइस रिटेल प्राइस नहीं थी, हम तो कौन सा डायरेक्ट कस्टमर को बेचते थे, तो जो रिटेलर जिस प्राइस पे बेचता था हम वो वाली प्राइस कम करेंगे, रिटेल प्राइस उसको कहते हैं। ओ भाई, उमेर एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर की जो पुरानी प्राइस थी वो रिटेल प्राइस नहीं थी। रिटेल प्राइस तो वो प्राइस होती है जो फाइनल कंज्यूमर को बेची जाए, तो आपको पुरानी रिटेल प्राइस निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, तो अब आप आ जाए वो मार्कअप मार्जिन से। उमेर एंटरप्राइज जब चीजें बेचता है तो किसको बेचता है, माजी में, माजी में अगर देखा जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर आगे से किसको बेचता रहा है, होलसेलर को, होलसेलर आगे से बेचता रहा है। इसकी जो प्राइस थी वो रिटेल प्राइस थी, तो आपको रिटेलर की प्राइस तक पहुंचना है। उमेर एंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर जिस प्राइस पे कस्टमर को बेचता है उसको रिटेल प्राइस कहते हैं, ये याद रखना, आपकी बड़ी मेहरबानी। रिटेल प्राइस उसको कहते हैं जो रिटेलर जिस प्राइस पे बेचता है। उमेर एंटरप्राइज, ये करंट डाटा लेना है आपने सारा, करंट उमेर एंटरप्राइज का करंट सेल रेवेन्यू टोटल था 101,875 भी था, टोटल सेल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट्स। ये तीन सिफर भी थे कॉमन लिए हुए, 101,875,000 डिवाइडेड बाय 5,000 करें तो उमेर एंटरप्राइज की जो सेल प्राइस थी ये थी,
ये सेल प्राइस ओमेर एंटरप्राइज की थी जो कि अगले वाले की कॉस्ट थी। ओमेर एंटरप्राइज की ये सेल प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूटर की ये कॉस्ट प्राइस है। ये डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट प्राइस है। डिस्ट्रीब्यूटर कितना मार्जिन या मार्कअप ऐड करता है? उसने कहा था 10% मार्जिन, मार्कअप नहीं कहा था, 10% मार्जिन के केस में। तो आपको पता है कि जो सेल प्राइस होती है, हाँ जी, मेरा ख्याल है इस केस में 10% मार्जिन था, तो मार्जिन में सेल प्राइस 100 होती है, प्रॉफिट मार्जिन 10 है, तो कॉस्ट 90 है। अब ये रकम 90% पे पड़ी हुई है, इसको 100% पे लाना है आपने। प्रॉफिट जो भी है मुझे नहीं पता, मुझे सेल प्राइस से गर्ज है। ये जो सेल प्राइस है ये डिस्ट्रीब्यूटर की है, कॉस्ट प्राइस किसकी है? और भाई अगला बंदा चेन में होलसेलर है। जागते रहो और मेरे साथ भी रहो, कहता रिटेलर की है। राशिद जागते रहो मेरे साथ भी रहो। राशिद रिटेलर की कैसे है? अभी तक तो डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस आई है सेल प्राइस। डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेच रहा है? होलसेलर को। तो होलसेलर की ये कॉस्ट प्राइस होगी 22। और ये प्रॉफिट मार्कअप ऐड कर रहा है या मार्जिन? उसने कहा जो होलसेलर है वो रिटेलर को 4% मार्जिन पे चीजें बेचता है, तो होलसेलर की जो सेल प्राइस है उसमें 4% प्रॉफिट मार्जिन होगा, 4% मार्जिन होगा, तो कॉस्ट प्राइस 96% है। हाँ जी 23582। हाँ जी ये होलसेलर की सेल प्राइस है, रिटेलर की कॉस्ट प्राइस है, रिटेलर की कॉस्ट प्राइस है 23582। यानी आई कैप ने खूब चेक किया है कि बच्चे को मार्कअप मार्जिन का पता है, सिवाय मार्कअप मार्जिन के और कुछ नहीं है इसमें। यानी आप आगे चलते जाओ, मार्कअप मार्जिन ऐड करी जाओ, तो जिसको मार्कअप मार्जिन नहीं पता होगा थे खपता रहेगा। चलो मेरा ख्याल है ये उसकी कॉस्ट प्राइस है रिटेलर की, और रिटेलर कितना प्रॉफिट ऐड कर रहा है? रिटेलर 10% मार्कअप ऐड करता है, तो ये प्रॉफिट मार्कअप ऐड करता है। मार्कअप में कॉस्ट 100 है, ये 10 है, तो सेल प्राइस जो है, बल्कि सेल नहीं रिटेल प्राइस। अच्छा जी एक मिनट, इन्नी स्पीड नाल मैं लिखदा नहीं जिन्नी स्पीड नाल तुसी बोल दे। रिटेल प्राइस 110%। जी 25900 ये करंट रिटेल प्राइस है। रिटेलर जब फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा होगा तो इस प्राइस पे बिक्री होगी करंटली, एक टीवी इतने का बिक रहा है 25900। अब हम उसे कहेंगे कस्टमर से, भाई रिटेलर से तुम साइड पे हो जाओ, हम बेचेंगे तुम्हारे जरिए, बस तुम कमीशन के हकदार हो। तो रिवाइज रिटेल प्राइस क्या होगी? हाँ जी क्वेश्चन में उसने कहा था कि सजेशन के मुताबिक जो करंट रिटेल प्राइस है उसको 5% रिड्यूस कर दें, 25940 का 95% कर लो।
जी 24,644 और 43 24,643 पर टीवी, ये नई रिटेल प्राइस आ जाएगी, ठीक है? ये क्या आ जाएगी? नई रिटेल प्राइस। इससे अब रेवेन्यू निकल सकता है। अब ये सेल प्राइस उमेर एंटरप्राइज की है, उमेर एंटरप्राइज डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हैं रिटेलर के जरिए। अब रिटेलर मालिक नहीं है, हम मालिक हैं। तो कंज्यूमर को हमारी जो चीज जा रही है उसको तो सस्ती मिलेगी ना कंज्यूमर को। 24,643 24,643 की सेल प्राइस होगी और सेल यूनिट्स होंगे 6500 24643। तीन सिफर कॉमन लिए हुए हैं। जी जी 57830 और यहाँ कमीशन 15% निकालनी है तो मैं टोटल सेल पे निकाल देता हूँ। ये जो टोटल सेल थी 160 पर यूनिट रिटेल प्राइस पे भी निकाल सकते हैं। क्या की होगी? तो भाई वो नई रिटेल प्राइस का ही करेंगे ना, पुरानी वाली का क्यों करेंगे? 24,027 नई वाली का क्यों करें, पुरानी का क्यों करेंगे? पुराने पे तो कमीशन ही नहीं थी। 24,027 46802 तो ये प्रॉफिट पहले से बढ़ गया। देखें क्या कहते हैं, नहीं समझ आया? ये सवाल इस लिहाज से आसान था, इसमें इन्वेंटरी तो थी कोई नहीं, बस आपको दो दफा स्टेटमेंट बनानी थी। ये बस उसने आपके साथ ज्यादती किया, ऐसे ही सवाल फैलाया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन वन घर से करके लाना है, इसको दोबारा करें और क्वेश्चन वन घर से करके लाए, उसमें भी इन्वेंटरी नहीं है। क्वेश्चन वन घर से करके लाना है, क्वेश्चन वन आपकी होम असाइनमेंट है। आपको मुझसे भी ज्यादा जल्दी, ठीक है जाए। क्वेश्चन वन आपकी असाइनमेंट है, किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। ये मुकम्मल हो गया हुआ है बस। मैंने कहा लिमिटिंग फैक्टर हो तो पहला बजट उसका बनाना है जो लिमिटिंग फैक्टर है। हाँ, ये मसलन अगर वो आपसे कह दे कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है घंटों में, तो फिर आप पहले घंटों के मुताबिक प्रोडक्शन प्लान करेंगे। हाँ, लेबर आवर या मशीन आवर पे बेस कर रहा है, तो मशीन आवर बाद में, बाकी सही प्रोडक्शन सेल उसके बाद। स्क्रीन में क्या शो करना है? और तुम छापे लगा रहे हो, खुद नहीं किया तुमने? ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जी।